निलॉस यूनिसेक्स सलोन एंड अकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन कचहरी रोड अजमेर सलोन जो आपको देता है स्टाइल। हम प्रियंका रेड्डी का मैटर लेके आए हैं यहाँ पे, जिस तरह के उसके साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ है उसका मैटर लेके आए हैं कि सालों को वहाँ फांसी उनको फांसी दी जाए और उनको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाए, उनको पेट्रोल से जलाया जाए ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह से लड़कियों के साथ आजकल अत्याचार किए जा रहे हैं, लड़कियों के हर तरह से रेप किया जा रहा है, उनको भी कुछ ना कुछ पता चले। वो हर लड़कों के साथ, वो लड़के ऐसे क्यों सोचते हैं कि हाँ भाई लड़कियों के साथ ऐसा किया जा रहा है, ऐसे इस मुद्दे को लेकर हम मोनिश्कर राठौर। हमने जो हैदराबाद में घटना हुई है अभी तत्कालिक पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका मैम के साथ, तो हम उसको लेकर विरोध करने आए हैं कि उनके अत्याचारों को फांसी दी जाए और देश के कानून सख्त किए जाए, उन्हें जिंदा ना छोड़ा जाए, ये नहीं कि देश धर्म के आधार पर उन्हें ये जिंदा ना छोड़ा जाए, जल्द से जल्द फांसी दी जाए, ये हमारा विरोध प्रदर्शन है। और मोमबत्ती जलाइए, हमने ज्ञापन लेके आए मोमबत्ती जला के, ये नहीं कि उनको शांति की दी, उन्हें श्रद्धांजलि दे के हमें ये बोला है कि हम भी तेरे पक्ष में हैं, हम तेरा मतलब तू ने कर सकी जो काम हम करके जाएंगे ये हमने किया है उनके साथ। आपका नाम? मेरा नाम कांता जाखड़, छात्र संघ अध्यक्ष राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर से। आज जो मैम प्रियंका रेड्डी के साथ हैदराबाद में जो ये घटना घटी थी, उनके साथ रेप करके उन्हें जला दिया गया था, उसके विरोध में एक रैली निकाली गई थी, एक ज्ञापन सौंपा गया था सर को। मैं कहना चाहूँगी जब भी किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ या रेप होता है तो क्यों लड़कियों की पोशाक पे या उन्हीं के ऊपर कि उन्हीं ने उकसाया होगा ऐसा क्यों कहा जाता है? उस समाज से मैं पूछना चाहूँगी कि आप ही ऐसी कोई ड्रेस निर्धारित कर दो कि जिससे रेप ना हो, एंटी रेप ड्रेस ऐसी बता दो कि वो पहनने पर लड़कियों का रेप ना हो, अगर बता सके तो। और उसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि हर बार लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोगों ने मानसिकता बना रखी है, उन लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी जब तक ऐसे जो केस होंगे वो रुकेंगे नहीं। और मैं कार्रवाई की जो भी सख्त कानून बनाया जाए, ऐसा कानून हो कि लोग छेड़छाड़ करने से भी डरे लड़कियों के, और ऐसी घटनाएं ना घटें। और ये जो लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, ये जो खोखले ऐसा क्यों नहीं कहते कि लड़कों को समझाओ, ना समझे तो उन्हें दो खींच के लगाओ। धन्यवाद। फाल्गुनी धोलखेड़िया, संयुक्त सचिव सम्राट पृथ्वीराज चौहान, अजमेर। हम लोगों ने अभी जो हमारे देश में ये दरिंदगी फैल रही है, गंदगी फैल रही है, आज आप देख सकते हैं प्रियंका रेड्डी जी का चलो केस उठ गया है, आज ऐसी कई बच्चियां हैं, हम जैसी कई लड़कियां हैं जो महफूज नहीं है बिल्कुल भी, हम लोग परेशान हैं इन चीज़ों से। हर एक भारत में हर एक 15-20 मिनट में हर एक नया केस आएगा, हर एक दिन बच्ची ऐसे ही जूझेगी, उनके शिकार बनेगी, और ऐसे से हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को फांसी मिले, उन लोगों को सजा मिले। जिस तरीके से उस बच्ची को जलाकर मारा है, प्रियंका रेड्डी जी को मारा है, वो डॉक्टर थी जानवरों की, इससे तो वो महफूज जानवरों के बीच में थी, इंसानों के बीच से। आज हर एक लड़की अपने भाई से भी डरती होगी कि ऐसा क्या है हमारे देश में, हम लोग कहीं सुरक्षित नहीं है, हम हमारे घर में भी सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार तो अगर हम देखा जाए तो ये दरिंदगी का शिकार आज हम जैसी काफ़ी सारी बहनें बन सकती हैं, या हम जैसी काफ़ी सारी छोटी बच्चियाँ, 4 साल की बच्ची, हाल ही में जो अभी केस आया है, 4 साल की बच्ची, उसने क्या बिगाड़ा किसी का, फिर भी उसको मार दिया, उसको मतलब बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा, इससे तो कन्या भ्रूण हत्या ही सही है। फिर बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या बेटी को बचाओ, क्या तुम ये नारा क्यों नहीं लगाते कि बेटे को बचाओ और बेटे को पढ़ाओ? हर बार लड़कियों को ही क्यों दबा के रखा जाता है? मुझे समझ नहीं आता है कि ये गंदगी जो हमारे देश में फैली हुई है इसके लिए कोई कानून क्यों नहीं बना हुआ है। हमेशा यही बोलते हैं कि कानून नहीं, ये होना चाहिए। हेलमेट पहनने के लिए कानून है, उसके लिए तुम बीच में, मैं गलत बोल रही हूँ हालांकि ये कि बीच में तुम पैसा खा के छोड़ देते हो, उस बच्ची के साथ जो गलत हो रहा है इसके लिए भी एक कानून होना चाहिए, और उसके लिए एक नई आवाज़ उठनी चाहिए कि वो बच्ची को एक तो उसको बिल्कुल जस्टिस मिले, और उन लोगों के लिए मतलब एक शर्मसार ऐसा हो जाए कि वो लोग दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले सोचे, 10 बार सोचे। आज हम लोगों ने मुंह पे पट्टी बांधकर, काली पट्टी बांधकर शांति का प्रदर्शन करने की करी, परंतु इस शर्मसार हरकतों को देख के जो हमारे साथ में सभी इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए, उन लोगों को बहुत, वो सब आक्रोश में है कि ये गलत है, इसके प्रति हमारी आवाज़ उठनी चाहिए और आगे तक जानी चाहिए। ये हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और इसी के माध्यम से हम अपनी आवाज़ आगे पहुँचाना चाहते हैं। पायल जैन।
टोंक के अंदर भी 6 साल की बच्ची के साथ में जो हरकत हुई, तो इन सभी जो आए दिन देश के अंदर, राज्य के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर जो इस तरीके की हरकतें होती जा रही है, लगातार होती जा रही है, एक हरकत होती है वो शांत नहीं होती, उससे पहले कोई नई हरकत वापस से हो जाती है। तो इसी का आज हमने सभी स्टूडेंट्स ने, गर्ल्स ने मुँह पर काली पट्टी बांध के आज हमने शांति से विरोध किया है। और हमारे विरोध का यही उद्देश्य है, हमारी यही मांग है कि सरकार को उठना चाहिए। जिस तरीके से आज किसी बड़े अधिकारी के या किसी बड़े मंत्री की अगर लड़की के साथ में, बच्चों के साथ में इस तरीके की हरकत हो जाती है, तो 2 दिन के अंदर कार्रवाई, और 2 दिन के अंदर वो आदमी फांसी, और 2 दिन के अंदर वो अंदर बंद होकर उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो इसी तरह जो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ में भी इसी तरीके से कोई ठोस कानून आए जाए, और कानून के तहत इस तरीके की कोई नया कानून हो जिससे कि आगे से इस तरीके की हरकतों पर रोक लगी जाए। मोहित मल्होत्रा, प्रदेश महासचिव, NSUI।